दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन में चक्रव्यूह के अंदर आ फंसी है। जो प्लान से यहाँ पर हेड कोच, कैप्टन और केकेआर मैनेजमेंट के थे, अभी वो यहाँ पर हमें ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात दोस्तों अब कहनी गलत नहीं होगी कि टीम केकेआर के फैंस भी थोड़ी बहुत तो महसूस कर ही रहे होंगे घबराहट की आईपीएल शुरू होने से पहले ही। ये क्या बैड लक आ गया है, ये क्या इंजरी का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले आंद्रे रसल को इंजरी हो जाती थी, अभी तो कैप्टन को ही हो गई है। तो कौन होगा अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन नहीं होते हैं, तो श्रेयस अय्यर के बदौलत टीम केकेआर का कैप्टन कौन होगा। चलो आओ यार उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर बात की जाए तो श्रेयस अय्यर का कमबैक हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत इम्पॉसिबल है। हाँ दोस्तों चोट थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, उनको इंजरी काफी खासी है और कमबैक उनका काफी हार्ड है। बट दोस्तों गिव अप नहीं करना चाहिए, वो आ सकते हैं, ये बात बहुत अच्छी है। अभी ऑफिशियली भी लीक्स नहीं आने वाली है और बैकअप भी बहुत जल्दी आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। बट हम यही होप करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों 16 या 17 मार्च को उनकी जो फाइनल रिपोर्ट्स हैं एक बार हमारे हाथों में लग जाए, फिर हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। बट दोस्तों यहाँ पर चलती का नाम है जिंदगी। तो अब बात कर लेते हैं यार उनके यहाँ पर केकेआर कैप्टनसी कौन कौन कर सकता है। तो बड़े नाम मैं कुछ आपको बताऊंगा, टोटल 4 नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब इसके अलावा कोई आपका ऑप्शन है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। पहले ये नाम सुन लो और उनके रीजंस भी सुन लो। आंद्रे रसल, दोस्तों आप सब चाहते होंगे आंद्रे रसल क्योंकि सभी मैच खेलेंगे, वो ओवरसीज हुआ तो क्या हुआ। बट दोस्तों आंद्रे रसल खुद ने कैप्टनसी छोड़ी है, कहते हैं कि प्रेशर आ जाता है या फिर जो भी रीजंस है परफॉर्मेंस गिरती है, तो इसलिए कैप्टन वो नहीं करेंगे। अब बड़ा नाम आता है दूसरा सुनील नारायण, जो कि सभी मैच खेलेंगे। सुनील नारायण को तो कैप्टनसी दोस्तों, उनको तो रात को नाइटमेयर सपने आते होंगे कि कप्तान कुछ भी बना दे, कप्तान मत बनाओ। एडीकेआर के मैच अगर आपने देखे होंगे तो वहां पर तो दोस्तों आरसीबी से भी बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा जो तीसरा नाम आता है वो आप सबके मन में आ गया होगा, नीतीश राणा टीम केकेआर के कैप्टन बन सकते हैं। दिल्ली की डोमेस्टिक टीम की इस बार उन्होंने कप्तानी की थी और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो नीतीश राणा के लिए एक टिक मार्क जरूर बन जाता है। बट आउट ऑफ द बॉक्स आपने ये सोचा नहीं होगा, मनदीप सिंह जो टीम केकेआर में श्रेयस अय्यर की रिप्लेसमेंट प्लेइंग 11 में बन जाएंगे, उनको भी कप्तान बनाया जा सकता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सीनियर है और दोस्तों एक अच्छी उनको अनुभव है कैप्टनसी की भी, और सभी टीम मैनेजमेंट उनकी जो यहाँ पर इज्जत वगैरह भी करते हैं। खैर दोस्तों रीजंस कुछ भी हो, हम तो चाहेंगे कि श्रेयस अय्यर ही कमबैक करें। आप कमेंट करके जरूर बताओ श्रेयस अय्यर बाहर होते हैं तो उनके गैर मौजूदगी के अंदर टीम केकेआर का कैप्टन कौन होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर